मनीष श्रीवास के नाम से छोटे ही नहीं बड़े अपराधी भी खौफ खाते थे। ऐसे में उसे भतीजे का आश्रय मिल गया। भतीजे के कहने पर मनीष ने बहुत से काम किए। मनीष बहुत ही चालाकी से गेम करता था और आसानी से बचकर निकल जाता था। शहर के सभी अपराधी यह बात जानते थे कि यदि मनीष ने कोई काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करेगा। ऐसे में उसे भतीजे का साथ मिल गया और रंजीत सफेलकर को पता चला कि मनीष उसका गेम करने की तैयारी में है। आपित बिहारी के मर्डर में भतीजे के जेल जाते ही उसकी गैंग के लोगों में कंगाली छा गई। इसी का फायदा रंजीत ने उठाया। उसने भतीजे से जुड़े अपराधी को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और पूरी प्लानिंग के साथ मनीष का मर्डर किया गया। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने रंजीत को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी MD जोशी की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 12 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि इस प्रकरण में सफेलकर के खिलाफ कई सबूत हाथ लगे हैं। 3 वाहन और हथियार जब्त किए जा चुके हैं। हत्या के बाद जिस जगह पर कपड़े जलाए गए थे वह जगह भी आरोपी ने दिखाई है। हत्या की प्लानिंग में उपयोग किया गया स्मार्टफोन सफेलकर ने मध्य प्रदेश में छिपाया है। वह फोन पुलिस को जब्त करना है। आरोपी के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी पुलिस के हाथ लगा है। आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी जाए। बचाव पक्ष के वकील प्रकाश जायसवाल, आशीष नायक, अविनाश पाल पांडे, रौनक शर्मा और रोहित जायसवाल ने पुलिस हिरासत का विरोध किया। जायसवाल ने न्यायालय को बताया कि जिस फोन की जानकारी पुलिस कोर्ट को दे रही है वह 2012 में लॉन्च ही नहीं हुआ था, इसलिए PCR की वजह ही गलत है। दोनों पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ने 12 अप्रैल तक पुलिस हिरासत मंजूर की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN News, नागपुर।